यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है यह मंदिर। वास्तुशास्त्र की नज़र से भी है बहुत खास। सूर्य की पूजा करने के लिए हिंदू धर्म के वेदों में बताया गया है। हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महत्वता का वर्णन किया गया है। कहा जाता है सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म के सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने है। हम सूर्य भगवान की आराधना उनको देखकर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे देश में प्रथा है, भगवान के मंदिर बनवाने की, इसी के आधार पर बरसों पहले कुछ हिंदू राजाओं ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर अपनी अनोखी बनावट व खूबसूरती के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मंदिर भारत की प्राचीन धरोहर में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसलिए इस मंदिर की संरचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था यानी उदित सूर्य, जिसकी ऊंचाई 8 फीट है। युवावस्था, जिसे मध्य सूर्य भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। तीसरी अवस्था पूर्णावस्था, जिसे अस्त सूर्य भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर में से ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। जैसे लगता है सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से बना यह मंदिर बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ यह मंदिर वास्तुशास्त्र की नज़र से भी बहुत खास है। इस मंदिर की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो अर्ध दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल, गर्भगृह, नाट मंडप और जागमोहन मंडप एक ही सीध में है। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है, जिसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। श्री कृष्ण से जुड़ी है मंदिर की कहानी। धर्म ग्रंथ सांभा के अनुसार कृष्णा के बेटे को कुष्ठ रोग का श्राप था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी। तभी सांभा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के नजदीक 12 सालों तक कड़ी तपस्या की। दोनों ही वास्तविक कोणार्क मंदिर और मुल्तान मंदिर सांभा की ही विशेषता दर्शाते हैं। ऐसे पहुँचे कोणार्क मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले के एक शहर कोणार्क में स्थित है। यह राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर और पुरी से 35 किलोमीटर दूर है। कोणार्क सूर्य मंदिर के कारण एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इस तरह यह पुरी और भुवनेश्वर से रेलगाड़ियों, बसों और टैक्सियों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हालांकि कोणार्क पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका पुरी से कैब किराए पर लेना है। OSRTC और निजी ऑपरेटर पुरी से कोणार्क तक बस सेवा प्रदान करते हैं। पुरी रेलवे स्टेशन कोणार्क मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन है। भुवनेश्वर हवाई अड्डा या बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 65 किलोमीटर और कोणार्क सूर्य मंदिर से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर है। कोणार्क सूर्य मंदिर का टिकट भारतीयों के लिए 40 रुपए में खरीदा जा सकता है, जबकि अगर आप विदेशी हैं तो आपको 600 रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसे ही विभिन्न विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।